हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल नोलो साइजिंग में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की एक मंथली स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि एक वर्किंग पीपल के लिए स्ट्रेटजी होने वाली है, जिनके पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने के लिए और जो चाहते हैं कि एक छोटी सी कैपिटल लगा के मैं एक डिसेंट रिटर्न निकालूं मार्केट से, तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी में हमको क्या क्या चीज देखनी है, क्या क्या हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो एक बार देख लेते हैं। इस स्ट्रेटजी का मेन जो बेनिफिट है वो क्या है, इसमें आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी बहुत कम रहेगी, जिससे आप है ना कोई भी अगर छोटी कैपिटल है तो भी आप इस ट्रेड को ले सकते हो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मार्जिन की। अब इसके बाद हम जो क्या क्या चीज है जो हमें पहले से पता रहेगी इसमें, वो एक बार देख लेते हैं। इसमें जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो अनलिमिटेड दिखाएगा जब आप ये ट्रेड डिप्लॉय करोगे, और जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो इसमें 1600 रुपए के आसपास दिखाएगा। अब ये 1600 रुपए भी नहीं होगा, उसके लिए वीडियो देखते रहिए कैसे हम इसको जीरो लॉस में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी अप्रोक्स आपको 50,000 के अप्रोक्स। तो इस ट्रेड में आपको पहले से ही पता होगा कि आपका मैक्सिमम लॉस 1600 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा ना, टारगेट डिपेंड करेगा आप पर कि आप कितना टारगेट ले सकते हो। आपको यह है कि 2-4-5 दिन में अगर 5% आ गया, 3-4% आ गया तो आप बुक कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी ये टारगेट आप पे डिपेंड करेगा। अभी इसमें बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी के मेन पॉइंट आखिर है क्या, ये स्ट्रेटेजी है क्या। तो इसमें हमें क्या करना है, जो करंट प्राइस अभी मार्केट का है उसका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो करंट प्राइस का जो कॉल है वो हमें बाय करना है। मान लीजिए 18,500 है तो 18,500 का एक कॉल हमें बाय कर लेना है, और जो स्ट्राइक आपने कॉल का बाय किया है वो स्ट्राइक आप एक पुट का सेल कर देना है। और जो आपने एक स्ट्राइक बाय या सेल किए हैं, इन्हीं से 500 पॉइंट दूर का आपको एक पुट बाय कर लेना है, 500 पॉइंट दूर का एक पुट बाय करना है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कुछ इस तरीके से। अब इस स्ट्रेटेजी को हम एक बार ऑप्स्ट्रा में देख लेते हैं कि ऑप्स्ट्रा में ये किस तरह दिखेगी आपको स्ट्रेटेजी, और इसमें हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, क्या हमें कब ये स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। अभी जैसे हम ऑप्स्ट्रा में आ गए हैं, तो ऑप्स्ट्रा में क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन में जाना है। 18,500 करंट प्राइस हमारा 18,500 चल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 18,500 का एक कॉल बाय कर लेंगे, और उसके बाद क्या है, इसी सेम स्ट्राइक का हमें 18,500 का ही एक पुट सेल करने देना है। ये 18,500 का एक पुट सेल कर दिया, इसके बाद क्या है, हमें 500 पॉइंट दूर का इससे, जैसे यहाँ पे 18,500 है तो उससे 500 पॉइंट दूर हो जाएगा, 19,000 का एक पुट बाय कर लेना है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अभी जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो आपको इस तरह की कुछ दिखेगी। इसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफी कम दिखा रहा है, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो मार्जिन दिखा रहा है 18,000 के अप्रोक्स दिखा रहा है, लेकिन इसमें जो हमारा मार्जिन लगेगा वो अप्रोक्स 40-50,000 के अप्रोक्स लगेगा, और जो हमारा मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है ये 2400 दिखा रहा है, जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। मैक्सिमम लॉस भी ये 2400 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें जो प्रीमियम का डिफरेंस है उसकी वजह से, नहीं ये 2000 के नीचे ही रहेगा आपका जो मैक्सिमम लॉस रहेगा। अब इसमें हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो होगा हमारे मंथ एंड में, यहाँ पे उससे पहले नहीं होने वाला है, ये हमारी मंथली स्ट्रेटेजी है। तो हमारा जो लॉस होगा मंथ एंड में होगा, जो 2400 रुपए का। अगर आप इस रिस्क को ले सकते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इतना भी रिस्क ना लूं तो इसको कैसे जीरो करेंगे वो भी हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, आपको दिखाएंगे एक बार स्टॉक मॉक में लास्ट मंथ का बैक टेस्ट करके किस तरह इसने रिजल्ट दिया है। एक बार चलते हैं स्टॉक मॉक में, आपको दिखा देते हैं लास्ट मंथ का बैक टेस्ट किस तरीके से। ये हम स्टॉक मॉक में आ गए। अभी सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजी आपको बनानी कब है। ये स्ट्रेटेजी बनानी है आपको मंथ एंड में, फॉर नेक्स्ट मंथ के लिए। मान लीजिए अभी अप्रैल मंथ का एंड चल रहा है 28, हमें बनानी है ये मई के लिए, तो मंथ एंड में बनाएंगे। 28 मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया इसमें और 3 बजे का टाइम कर लिया। तो इसमें मुझे अब करना क्या होगा, जो मेरा एटीएम चल रहा है, एटीएम अप्रोक्स चल रहा है 18,000 के समथिंग, तो मुझे 18,000 का एक कॉल बाय करना है, एक पुट सेल करना है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद क्या है, मुझे इससे 500 पॉइंट दूर का एक पुट बाय कर लेना है। तो मेरी कुछ स्ट्रेटेजी इस तरीके की हो जाएगी। इसमें जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 1600 का दिखा रहा है, इससे ज्यादा आपको नहीं दिखाएगा। अभी मैं करंटली इसका अगर आपको रन करके दिखाऊं, जैसे एक एक करके दिखाऊं, इसमें मार्जिन हमारा 50,000 के अप्रोक्स ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अभी मैं इसको आपको आगे फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसे इसने रिजल्ट दिया है। तो मैं जैसे डे आगे करता हूँ, एक दिन आगे किया, तो इसमें मुझे एक दिन में ही 3% के अप्रोक्स रिटर्न दे दिया। तो आपको जितना मन करे, जहां मन करे आप वहां बुक कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जब आपका मन करे कि हाँ मेरे लिए इतना सफिशियंट है, आप बुक कर सकते। मैं डे एंड में गया, फिर एक और बार गया,
अभी मुझे 1% का दिखा रहा है, फिर मैं और आगे गया तो मुझे अप्रोक्स 4% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने दिनों में? 3-4 दिनों में 4% का प्रॉफिट। तो मैं कहीं भी बुक कर सकता हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ाता हूँ, मंथ एंड तक देखेंगे हमें कितना लॉस हुआ है इसमें और वो कैसे कम कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो इसमें देखिए 4.8% का प्रॉफिट हो रहा है 5% के अप्रोक्स। मैं और आगे गया हूँ, मैं डे एंड में और गया, मैं और आगे गया इसमें, मैं आगे जाता रहा हूँ। अभी 11th मई चल रहा है, आगे लास्ट मंथ एंड तक देखेंगे हमें इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ। अभी देखिए यहाँ पे 6% का प्रॉफिट दिख रहा है आपके कैपिटल पे। और आगे चलते हैं इसमें हम, अभी प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम ज्यादा होता रहेगा क्योंकि अब जैसे मंथ एंड आएगा तो अभी यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है जो 1600 रुपये, उससे पहले नहीं होगा, वो मंथ एंड होगा तभी आपका लॉस होगा। अभी जैसे 19 मई चल रहा है, 22 मई चल रहा है, तो 1000 रुपये का लॉस चल रहा है, 23 मई आ गए और अभी आपको 1400 रुपये का लॉस चल रहा है, 25 मई आ गए, अभी ये आपका 1600 रुपये का लॉस हुआ। तो अभी ये 1600 रुपये का लॉस आपको कब हुआ? ये हुआ है आपको मंथ एंड में, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा इसको कैसे जीरो कर सकते हो। मैं दोबारा 28 से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मेरा 1600 रुपये का रिस्क चल रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें एक मंथली का ही जो मेरा एक्सपायरी है 25 का, उसमें ही एक जितना मेरा रिस्क है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नीचे का पुट सेल कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 लॉट पुट सेल कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा ना, मेरा जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो मेरा यहाँ पे लॉस था वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कहीं भी मार्केट जाए मुझे लॉस नहीं होगा यहाँ, ये मेरा इसमें बेनिफिट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसमें आगे कर सकते हो, जैसे मैंने आगे करता हूँ इसमें, अभी देखो करंटली 1% का प्रॉफिट आ गया एक दिन में, ठीक है, प्रॉफिट कम हो गया थोड़ा। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे 2% का प्रॉफिट हो गया, फिर और आगे चलते हैं तो प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट जहां पे आपको दिखे ना कि हाँ अभी ये सफिशियंट है आपके लिए प्रॉफिट, वहां पे आप बुक कर सकते हो, 2% का हो गया 2-3 दिनों में। अभी जैसे और आगे चलते हैं, ये जो प्रॉफिट आपको अभी दिखा रहा है ये दिखा रहा है कैपिटल के अकॉर्डिंग, जब तक हमने नीचे का पुट सेल नहीं किया था यहाँ पे हमें 4-5% का प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर आप ये 1600 रुपये का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, तो आपको इतना मार्जिन यूज करने की जरूरत नहीं है, आपका 50,000 में काम हो सकता है। अगर आपको इतना रिस्क नहीं चाहिए तो आपको मार्जिन इंक्रीज होगा उसमें, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे और आगे चलते हैं इसमें, हम आगे चल के देखते हैं लास्ट तक कि इसमें कितना लॉस हो सकता है हमें, कि बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इसमें हमें प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। यहाँ पे देखो करंटली 3% का प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी हम 16 मई में आ गए, 17 मई में और आगे चलते हैं, लास्ट एंड तक हम 25 मई तक चलेंगे। तो जहाँ पे हमें 1600 रुपये का लॉस हो रहा था वहां पे हम देखते हैं कितने रुपए का हमें लॉस शो करता है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए करंटली 25 मई पे आ गए और हमें जो लॉस शो हुआ तो 5 रुपए का लॉस शो हुआ है, वो भी इसलिए शो हुआ है कुछ इसमें बिडास में डिफरेंस होगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको 0 लॉस हो। तो ये स्ट्रेटेजी थी आपके लिए, वर्किंग पीपल के लिए। तो आप ये स्ट्रेटेजी कभी भी चेक कर सकते हो, किसी भी मंथ में आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई वीडियो में लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपका वहां पर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।